झारखंड चुनाव दिन पर दिन दिलचस्प होता जा रहा है। जहां एक तरफ कांग्रेस, आरजेडी और जेएमएम का गठबंधन हो गया है, तो वहीं एनडीए में फूट पड़ गई है। आजसू जहां अपनी मांग पर अड़ी हुई है, तो वहीं बीजेपी उसे ज्यादा तवज्जो देने के मूड में नहीं दिख रही है। बीजेपी आजसू पर नजर बनाए हुए है, तो वहीं आजसू के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो बीजेपी के संदेश का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में दोनों पार्टी का अलग होना तय है, बस दोनों ही पार्टी खुलकर ऐलान से बच रही है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के सहयोगी लोजपा ने भी झारखंड में उसका दामन छोड़ दिया है। राजनीतिक गलियारों में खबर है कि अन्य दलों के तमाम नेता गुपचुप तरीके से आजसू से संपर्क साध रहे हैं। झारखंड विकास मोर्चा के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मंगलवार को 39 और प्रत्याशियों की सूची जारी कर चुनाव को रोचक बना दिया है। दरअसल झारखंड में दल बदल का जो दौर चुनाव की घोषणा से पहले देखने को मिला, वह टिकटों से पहले चरण के दौरान भी देखने को मिल रहा है। चुनाव की घोषणा से पहले हर नेता बीजेपी का हाथ थाम रहा था, लेकिन अब अपना ठौर ठिकाना तलाश रहा है। जैसे बीजेपी के मुख्य सचेतक राधाकृष्ण किशोर डंके की चोट पर आजसू में शामिल हो गए हैं, तो वहीं कांग्रेस के सरोज दुबे भी आजसू में शामिल हुए। इस पूरे राजनीतिक ड्रामे के बीच भाजपा मौन बनी हुई है, लेकिन भाजपा ने लोहरदगा से अपने प्रत्याशी सुखदेव भगत के नाम का ऐलान कर दिया है। न्यूज़ टेक।